नमस्ते दोस्तों, केम छो मजा मा। मैं संजय लुटेरिस गार्डनिंग एंड ब्लॉग चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं बहुत ही खूबसूरत पौधा लेके आया हूँ आपके लिए, जिसे मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं, और हमारे हिंदी में बोलने चाहे तो हज़ारों की माँ। बहुत ही खूबसूरत पत्तियों वाला पौधा है और इजी टू ग्रोइंग प्लांट है ये, देखिए। और एक सर्कुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। आपको अगर सर्कुलेंट प्लांट लगाने का शौक़ है तो इस पौधे को लगाएंगे आप अपने गार्डन में तो सारी कमी सर्कुलेंट की दूर कर देगा। इनमें काफ़ी सारी वैरायटी आती है, मेरे पास तीन वैरायटी अवेलेबल है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में जानकारी दूंगा, इसके प्रोपोगेशन के बारे में, इसको लगाने के बारे में, इसके देखभाल के बारे में, और कैसे मिट्टी में हमें पौधे को लगाना है, किस तरह लगाना है, पूरी एक एक बात आपको बताऊंगा वीडियो में। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये देख सकते हो, मदर ऑफ थाउजेंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो पत्तियाँ होती है उस पर हजारों पौधे निकल के आते हैं। ये देखिए, इसकी पत्तियों पे नए नए पौधे निकल के आते हैं और पूरा पौधा ऐसे छोटे छोटे पौधों से भर जाता है। इसकी प्रोपोगेशन बहुत ही आसान है, और देखिए ये पूरा गमला, यहाँ पे चंपा का पौधा लगा हुआ है। मैंने सिर्फ इसकी पत्तियाँ फेंक दी थी, जो बड़ा इसका प्लांट था वो मैंने तोड़ दिया था, तो इसकी पत्तियाँ सब इसमें फेंकी थी। तो देखिए कितना पूरा गमला भर गया है। इतना हार्डी प्लांट है कि आप एक बार अपने गार्डन में लगा दोगे इसको, तो फिर चाहे आप इसको निकालना चाहो तो भी अपने गार्डन से, आपके गार्डन से ये नहीं जाएगा। इतना हार्डी और ज़िद्दी प्लांट है ये। इसके भी देखिए पत्तियों पे इस तरह छोटे छोटे बेबी प्लांट आते हैं, वो गिरते रहते हैं गमलों में और नए नए पौधे बनते रहते हैं। तो सबसे पहले बात आती है इसके प्रोपोगेशन की, तो प्रोपोगेशन इसकी किस तरह कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। बहुत आसानी और इजीली से आप इसको प्रोपोगेट कर सकते हो। कहीं भी आपको ये पौधा दिखे, कोई भी वैरायटी दिखे, चाहे ये वाली हो, एक दूसरी वैरायटी वो भी है, कोई भी वैरायटी आपको दिखे तो आप इसको आसानी से प्रोपोगेट कर सकते हो। ये दो वैरायटी ये हो है और तीसरी ये, देखिए ये तीसरी वैरायटी है। तो ये तीन वैरायटी मेरे पास है। यहाँ पे जो हमारा ये पौधा है इसके अंदर पत्तियों में इस तरह से बेबी प्लांट आते हैं, तो इस बेबी प्लांट को बहुत ही आसानी से, कहीं भी आपको ये पौधा दिखे तो देखिए ये बेबी प्लांट है। इसको ऐसे खाली हाथ लगाया तो बेबी प्लांट हाथ में आ जाते हैं, इस तरह से हाथ में आते हैं। और ये देखिए ये गमला यहाँ पे है और इसमें से बेबी प्लांट गिरते हैं, देखिए यहाँ, और ये गमले में हवा होती है तो दूसरे गमले में भी चला जाता है, और ये गमला इसके नीचे ये पड़ा रहता है। तो देखिए इसमें अड़े नीम का गमला है, तो इसमें देखिए आप, तो गमलों में आपको रख देना है, कहीं भी है दिखे आपको तो ले आइए छोटे छोटे बेबी प्लांट और गमले के अंदर ऐसे रख दीजिए। प्रॉपर लगाने की ज़रूरत नहीं है इसके बेबी प्लांट को, बस रख दीजिए। तो देखिए ये छोटे छोटे बेबी प्लांट गिर गिर के कितने ज़्यादा प्लांट निकल के आते हैं। तो इसको लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, ईजीली ये लग जाता है। आप इसको कटिंग से लगाना चाहते हो तो कटिंग लगाने के लिए आप ये पौधे को इस तरह से यहाँ से कट कर लीजिए, और जो कट किया हुआ पार्ट है वह फंगीसाइड लगा दीजिए, या आपके पास फंगीसाइड नहीं तो आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, हल्दी लगा दीजिए। और हल्दी लगाने के बाद इसके लिए जो सॉइल मिक्स बनाना है, इसमें एक पार्ट आप रिवर सैंड लीजिए और एक पार्ट गार्डन सॉइल, इस तरह से सॉइल मिक्स बना के इसकी कटिंग लगाइए। और गमले में जब आप बड़ा प्लांट रिपोर्ट कर रहे हो तो उसमें 10% जितना आप गोबर की खाद मिलाइए, 40% जितना आप, 40 से 50% गार्डन सॉइल, 20 से 30% आप इसमें रिवर सैंड मिलाइए, और 10% 20% आप इसमें राइस हस्क, जो चावल के छिलके आते हैं वो मिलाइए। इस तरह से इसकी मिट्टी तैयार कीजिए, तो आप बहुत ही अच्छी भुरभुरी मिट्टी तैयार होती है इस पौधे की। देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है, और एक सर्कुलर ट्रे आप बनाना चाहो इसकी तो भी बना सकते हो, मैंने बनाई है, वो भी आपको दिखाऊंगा किस तरह बनाई है और कितनी खूबसूरत लगती है वो। तो ये हो गए हमारी मिट्टी की बात। अब वाटरिंग, तो वाटरिंग इस प्लांट को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, बस आप इसकी मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर बना के रखिए, अगर मिट्टी सूखेगी तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ज़्यादा पानी नहीं डालना है हमें। जितना कम पानी रहेगा उतना अच्छे से आपका प्लांट चलेगा। मिट्टी को सूखने दीजिए 2-3 दिन, फिर पानी दीजिए। एकदम पूरी गीली गीली मिट्टी मत रखिए, थोड़ा सा मॉइस्चर, मतलब कि देखिए ये
इस तरह से जैसे हमारा एडेनियम पौधा रहता है उसकी मिट्टी रहती है कि ऊपर की लेयर सूखी हुई, पर अंदर से थोड़ा हम ऐसे करेंगे तो नीचे थोड़ा मॉइस्चर रहता है, तो उस तरीके से हमें मॉइस्चर बना के रखना है। इससे हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। ज़्यादा पानी से क्या होता है, ये गल जाता है और ख़राब हो जाता है। सर्कुलेंट फैमिली का है और इसकी पत्तियों में पानी ऑलरेडी स्टोर रहता है। देखिए ये पत्तियाँ हैं, इसमें पानी स्टोर रहता है, तो इसीलिए इसको ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। ये गमले में तो मैंने लगभग कितने 7-8 दिन हो गए पानी नहीं डाला, पर फिर भी देखिए हमारा पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और इसको धूप सनलाइट के बारे में बात करूँ आपको कि कितनी धूप चाहिए कितनी सनलाइट चाहिए, तो इस पौधे को आप जैसी जगह पर रखना चाहो वैसी जगह पर रख सकते हो। बस फ़ायदा ये होता है और नुकसान ये होता है कि आप पौधे की पत्तियाँ किस तरह से रखना चाहते हो। अगर ग्रीन रखना चाहते हो एकदम ग्रीन कलर की पत्तियाँ, तो इसको थोड़ा शेड में रखिए जहाँ 1-2 घंटे की धूप आती हो। अगर इस तरह से ब्राउनिश पत्तियाँ चाहिए आपको, ऐसे इस कलर की पत्तियाँ, तो 5-6 घंटे की धूप आती हो वैसी जगह पर रखिए, क्योंकि जैसे धूप गिरती है तो पौधे की पत्तियाँ धूप में बदल जाती है, कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा रेडिश ब्राउन हो जाता है कलर, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। तो ये पौधे को आप धूप में छांव में कहीं भी रख सकते हो, ये चल जाता है। ऐसा नहीं कि आपका पौधा ख़राब हो जाएगा मर जाएगा, धूप में भी ये पौधा आसानी से सर्वाइव कर जाता है। अभी तो मार्च मंथ एंड होने आ गया है, अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल में भी धूप ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे में क्या है आपको ऐसी जगह पर प्लेस कर देना है इसको जहाँ पे 3-4 घंटे की धूप मिले, जो दोपहर की धूप आती है उससे थोड़ा हमारा पौधा बच जाए। प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ पौधा रहता है तो क्या पॉट भी हमारा फिर ख़राब हो जाता है, पहले प्लांट ख़राब ना हो पर प्लास्टिक का पॉट ख़राब हो जाता है, इसीलिए थोड़ा हम इसको शेड में शिफ्ट कर देंगे। और चलिए मैं आपको इसकी सर्कुलर ट्रे दिखाता हूँ कि किस तरह मैंने इसको सजाया है। ये देखिए इसमें मैंने तीन वेराइटी लगाई है और देख सकते हो दिखने में कितनी खूबसूरत है। ये देखिए एक वेराइटी ये है, एक ये वेराइटी है और ये तीसरी वेराइटी। ये आप मानोगे नहीं कि इसमें लगभग 1.5 साल से लगे हुए हैं पौधे, क्योंकि इसको जितना पानी हम कम दे और फर्टिलाइज़र ना दे तो ये ज़्यादा ग्रोथ नहीं करते। इस तरह से देखिए बहुत ही छोटा सा खूबसूरत सा गार्डन छोटा सा तैयार। साथ में मैंने यहाँ पे कलांचो भी लगाए थे, देखिए ये भी बहुत सुंदर दिखते हैं। और थोड़े ये जो देसी वाले मिक्सन विटोनिया है ना उसकी सीड गिरे थे, तो ये देखिए साथ में यहाँ से निकल के आए हैं, तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। ऐसे पूरा छोटा सा जंगल हो वैसा लुक आ गया है। ये देखिए जो हम बड़े बड़े महंगे सर्कुलर लाते हैं वो ख़राब हो जाते हैं मर जाते हैं, फिर हमें बहुत ही अफसोस होता है। इससे अच्छा है हम ऐसे पौधों से, ये फ्री वाले सर्कुलेंट से हमारा जो आप बेबी गार्डन फेरी गार्डन बनाना चाहते हो तो वो बना सकते हो। तो बहुत ही हार्डी और इजी टू ग्रोइंग प्लांट है, तो आपके पास नहीं है तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड कीजिएगा। तो आपको मेरा वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।